नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। इग्नू दे रहा है मौका पैसे कमाने का। आप कमा सकते हैं 2000 से भी ज़्यादा, 2000, 4000, 5000, इससे ज़्यादा की कमाई कर सकते हैं आप, और हर एक साल आप ये कमाई कर सकते हैं। ये बात शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात और इतनी अच्छी और इतनी किफायती बात, आपकी बेनिफिट की बात आज तक किसी ने नहीं कही होगी। इग्नू के थ्रू आप कमा सकते हैं। जी हाँ, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के आप कैंडिडेट हैं, और कौन कौन ये कमाई कर सकता है, कौन कौन ये कमाई कर सकता है, किन स्टूडेंट को मिलेगा मौका, तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत ही धमाकेदार खबर के साथ। और इस खबर को जानने के बाद आप बहुत खुश हो जाइएगा। तो चलिए आपके फायदे की बात करते हैं। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे और किस तरह से आप अपने 2000 से भी ज़्यादा और इनकम कर सकते हैं किन स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप ग्रेजुएशन में हैं, या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, आप पीजी कोर्स कर रहे हैं, या फिर मास्टर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, इग्नू के कैंडिडेट हैं ना आप, बस इतना ही काफ़ी है। और इस बारे में आगे और डिटेल जानकारी चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप पाइएगा। तो दोस्तों, सेव 100+ मनी फ्रॉम योर इग्नू कोर्सेस। आप अपने इग्नू कोर्सेस से 1000 रुपये से ज़्यादा की बचत कर सकते हैं। किस तरह, ये वीडियो को देख के जाइएगा, और 1000 रुपये बचा के तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की पैसे की कीमत स्टूडेंट से बेहतर क्यों कोई नहीं समझ सकता, और कोई नहीं चाहता कि वो अपने 1000 और 2000 रुपये वेस्ट करे। तो दोस्तों, ये रहा आपका तरीका। तो ये है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या फिर एडमिशन फॉर्म। आप इग्नू पे एडमिशन लेने जाते हैं, आप फॉर्म डिटेल देखते हैं। फॉर्म डिटेल में एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है कि क्या आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म पे चाहिए, या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी पे चाहिए आपका स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल हर एक कोर्सेस पे प्रोवाइड किया जाता है। स्टडी मटेरियल जो है वो आपको हर एक कोर्स पे दिया जाता है, चाहे आप बीए का कोर्स कर रहे हो, यानी अगर बैचलर डिग्री के साथ कोई सर्टिफिकेट का कोर्स कर रहे हो, तो हर एक चीज़ पे दिया जाता है। आपको मैं बताऊँ, हर बहुत कोई और उस कोर्स के लिए वो आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए आपको कितने चुकाने होते हैं पैसे, यानी आपको उसका 20% लग जाता है। आपके कोर्स का पूरा 20% वो इग्नू लेता है, इतने 20% का, और आपको वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है। जनरली स्टडी मटेरियल आपके काम का उतना नहीं होता। स्टडी मटेरियल लेने की एडवाइस तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अगर आप चाहते हैं स्टडी मटेरियल तो मेरे एक वीडियो पे देखिए, जहां आप स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं हर अपनी लैंग्वेज पे अपने हिसाब से, क्योंकि स्टडी मटेरियल सिर्फ आपको आपके तक पहुँचाया जाता है, और उस पर कितना कॉस्ट लगता है और किस तरह, ये सारी बातों की जानकारी भी मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि स्टडी मटेरियल पे आपको खर्चा लग जाता है कम से कम आपके कोर्स का 20%। 20% आपको खर्चा लग गया, और इस वजह से आपका फ़ी इंक्रीज हो जाता है कम से कम 2000 रुपये। सपोज़ यहाँ पे मैं आपको बात करती हूँ, जैसे री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जिसकी लास्ट तारीख 30 जून है, 30 जून है दोस्तों, और आप चाहते हैं और इनके लिए एक बेहतरीन सा मौका है, या फिर आप एडमिशन ले रहे हैं। आपको पता है जनवरी और जुलाई सेशन में इनरोलमेंट होता है, यानी एडमिशन होता है हर एक बार हर एक। तो आपका जो ऑप्शन आया कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपके कोर्स में आपको चाहिए या नहीं चाहिए स्टडी मटेरियल, तो आप उस पर ऑप्शन तो नहीं होता कि आप नहीं ले सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन वन आप अगर करते हैं, यानी आपको देखिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन पे आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे 15% डिस्काउंट दिया गया है आपके प्रोग्राम फी में। तो आपका प्रोग्राम फी कितना है, अगर आपका प्रोग्राम फी अगर 6000 बन रहा है, पूरा का पूरा आपका 6000 बन रहा है, तो इसका अगर हम 15% कर देते हैं, इसका अगर 15% हम कर देते हैं ऑफ, तो आपको पता है कितना लग जाएगा, आपको इसके लिए सिर्फ 5100 लगेगा, यानी 5100 रुपये दोस्तों। तो आपको आपकी बचत कितनी हो गई, तो आपको बचत हो गई आपकी 900 रुपये पे। और इस 900 रुपये को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जो 900 रुपये आपके बचेंगे, तो आप इससे अपना जो बुक है वो अच्छे से खरीद सकते हैं, चाहे वो बुक आपका हो गया अच्छे पब्लिकेशन का, चाहे गुली बाबा का खरीदिए, या फिर आप
नीरज पब्लिकेशन के खरीदिए, जो मार्केट में सबसे अच्छे ब्रांड के बुक आते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है और उसी से आपका पूरा कोर्स होता है, उसको आप इस पैसे पे बाय कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं दोस्तों। तो क्यों अपना इतना कीमती पैसा और इस पैसे को आप उस स्टडी मटेरियल पे लगाते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता। जनरली वो आपके पास जब पहुंचाए जाते हैं, एक तो समय से आपको पहुंचाया नहीं जाता, और आपके पास जब आते भी हैं तो वो सिर्फ आप एक बार मुश्किल से उसे देखते हैं और उसको साइड करके रख देते हैं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इतने बोरिंग टाइप से वो होते हैं पढ़ने के लिए। मैं एज ए स्टूडेंट थी तब भी मैं, और एज अ गाइडेंस एज अ फ्रेंड आपको बताती हूँ, स्टडी मटेरियल ना खरीदे। नो, से नो टू स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल मत लीजिए, ऑप्शन वन चूज कीजिए। जब आप एडमिशन करने जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ऑनलाइन में भी ये ऑप्शन होता है और ऑफलाइन में भी, तो इस ऑप्शन को आप टिक कीजिए। आप इस ऑप्शन में आपको मिलेगा क्या उसके बारे में अच्छे से बताती हूँ आपको। तो जब ऑप्शन वन आप लेते हैं तो इस पर आपको जो है एक मटेरियल, जो प्रिंटेड मटेरियल की जगह आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। 15 सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है आपको उसको पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके जिस आपके नंबर पे, यानी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सोचिए इसके इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी इसका दिया जाएगा, तो इतना इजी हो गया आपके लिए और आप इसे आराम से जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। या फिर आप अपना स्टडी मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं, इग्नू ई कंटेंट नाम का एक ऐप आता है, उसके बारे में मैंने अपनी वीडियो पे बनाया, जाके आप प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, आप देख सकते हैं वीडियोस पे जाके कि कैसे आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच गए ना आपके 2000 रुपये, 2000, 1000 से ज़्यादा हो गई ना आपकी कमाई। दोस्तों ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, हर एक स्टूडेंट या किसी से भी आप पूछ लो, सब कहते हैं स्टडी मटेरियल लेनी ज़रूरी है। तो मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस देती हूँ कि आप बिल्कुल भी ना खरीदें, आप बिल्कुल भी ना खरीदें। आप सिर्फ अपना जो फॉर्म फिलअप करना है, या फिर आप जब अपने एडमिशन पे जाओगे एडमिशन करवाने, तो इग्नू का सॉफ्ट कॉपी ले, सॉफ्ट ऑप्शन वन चूज करें, सॉफ्ट कॉपी ले दोस्तों, और अपने पैसे बचाएं और उस पैसे को आप किसी और बुक को खरीदने में लगाएं। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जिन्होंने 30 जून अभी लास्ट डेट है, डेट एक्सटेंड भी की जा सकती है, लेकिन आप 30 जून से पहले अपना एडमिशन फॉर्म भर लें। और एडमिशन फॉर्म कैसे भरें और इसके कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करें किस तरह से, इससे मैंने एक रिलेटेड वीडियो पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है। आप वहाँ पे जाएंगे और आप रजिस्ट्रेशन के बटन पे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करेंगे यानी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन, यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद आप आगे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेमो लिया है एमएसओ के बारे में, कुछ लोगों ने पूछा था। तो देखिए आपको सेकेंड ईयर के लिए ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे जितने क्रेडिट वाइज है उतने आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो दोस्तों ये चूज़ करने के बाद सारा ऑप्शन आता है, उसे आप फिल कीजिएगा और अपने पैसे बचाइए। स्टडी मटेरियल बिल्कुल ना खरीदे दोस्तों, इग्नू की कमाई यहीं से होती है। इग्नू इतना बड़ा यूनिवर्सिटी और उस स्टूडेंट से ये सारे पैसे लेता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप समझदारी दिखाइए दोस्तों और चैनल के साथ बने रहिए और अपने पैसे बचाइए। जिन्होंने अभी तक एडमिशन में ये नहीं किया है, नहीं जानते हैं, तो उनको भी ये ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि सबके पैसे बच जाए और आप ठगे ना जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ज़रूर और ज़रूर से शेयर करना और चैनल के साथ बने रहना। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ कुछ नया इंटरेस्टिंग सा लेके आऊँगी, ऐसे फैक्ट जो कहीं पे नहीं बताए जाएंगे आपके फ़ायदे के लिए। इसी के साथ चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखिए, जाके अपने सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी लीजिए, प्लेलिस्ट में है सारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और इसी तरह आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कि किन किन को ये वीडियो पसंद आया और कौन चाहते हैं अपने पैसे को बचाना और किन किन ने पैसे बचाए हैं। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।